हकीकत भी आज भी रास्ता निकाल के एक प्रोटोकॉल तय होना चाहिए, जैसे गवर्नर मौके कम आते हैं, जैसा मौका इन्होंने मुझे दिया है। मैं जब से जम्मू कश्मीर में आया हूँ इतने बाद यहाँ पे गवर्नर हुआ और इसी खूबसूरती से खुशखबरी और जिम्मेदारियों का जो की बात की गई, यकीन सरपंच साहिबान और हम सब का सोचने का दायरा जो है आपके इस काम के बाद बढ़ेगा। मैं ताकतवर गणराज्य थे लक्ष्मी वैशाली वीरेंद्र जी के अशोक महान के पिताजी भी उससे हमला करने से डरते थे। बेमिसार ने एक बार महात्मा बुद्ध के पास अपना अति भेजा और ये पूछा कि मैं इनको हराना चाहता हूं, कैसे हरा सकता हूं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तक ये चुने हुए रहेंगे तब तक इनको देवपे गांव के आसपास आप ये तय करके बताएं कि हमको इन इन चीजों की जरूरत है। असल में यहां बन जाती योजनाएं, ऐसी चीज हम बना के भेज देते हैं जिसकी वहां जरूरत ही नहीं। अभी हम लोगों ने ऐसी जगह कॉलेज मंजूर कर दिया जिसके 2 किलोमीटर पे कॉलेज ऑलरेडी, तो योजना नीचे से बन के आनी चाहिए। आप बना के भेजें किसकी चीज की जरूरत है, जच्चा बच्चा के अस्पताल की जरूरत है, वेटरनरी अस्पताल की जरूरत है, कि पानी की टंकी की जरूरत है। आपकी सिफारिश के आधार पे हम योजनाएं बनाने का काम करेंगे, उसको लागू करेंगे। मैं आप जितना ही तजुर्बा है, मैं अब जब अपने गांव में जाता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी उंगलियों पे देख कहां क्या क्या पेड़ था, किस नाली के ऊपर गुजर का पेड़ था, कहां ढाके पेड़ थे, ढाके जंगल तो ऐसे थे कि जब कितने दिन तो लगता था कि आग लगे, इतने खूबसूरत उनके फूल होते थे। कहीं बेल का पेड़ था, सर स्कूल पढ़ने जाते थे तो 2 पेड़ पढ़ते थे जिनसे हम बेल तोड़ते थे, लेकिन अब मैं जब गया तो एक भी पेड़ उनमें से मौजूद नहीं। मैं सब सरपंच साहिबान से कहना चाहता हूँ कि अपने अपने गांव का पेड़ों